अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जवाद हमीद है एंड मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट एलआरएच लीडी लीडिंग हॉस्पिटल पेशावर एमटीआई में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। टुडे आज हम लोगों ने एक वॉक अरेंज की थी जो कि स्पेसिफिकली 16 अक्टूबर को की जाती है हर साल। इस वॉक का बेसिक मकसद ये होता है ताकि एक आम जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस दी जा सके, उनको ये बावर कराया जा सके कि एनेस्थीसिया एक स्पेशलिटी है। लाइक आपको हर जगह पे यू विल गेट योर जनरल सर्जन्स, योर जनरल फिजिशियंस, योर पीडियाट्रिक सर्जन्स एंड फिजिशियंस एंड योर गायनेकोलॉजिस्ट। इसी तरह एक स्पेशलिटी है जिसके अपने स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जिनकी इस बारे में स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है कि वो एक मरीज़ को ऑपरेशन के दौरान, जो कि एक पेचीदा अमल होता है, उसमें उसको कैसे मेंटेन करेंगे उसका एनेस्थीसिया, इसके बारे में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर पेशेंट्स टू नो। उनको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनको जो एनेस्थीसिया दे रहा है वो क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं है। तो एक मरीज़ के लिए एक ये चीज़ बावर कराना आज इस दिन का मकसद था और ये हर साल पूरी दुनिया में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज के दिन के बाद बारे में एक स्पेशल बात ये है कि एनेस्थीसिया वाले या आम लफ्ज़ों में जिनको बेहोशी वाले डॉक्टर बोला जाता है, इनकी जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जाती है उसका उस स्पेशलाइज ट्रेनिंग की वजह से ये लोग अपने पेशेंट्स का ऑपरेशन के दौरान ख्याल रखना इनका बेसिक मकसद होता है। उसके लिए फिर हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पेशल मशीन्स होती हैं जो कि हम मरीज़ को बेहोशी के अमल के दौरान उसकी सांस को मुकम्मल तौर के ऊपर मसनू सांस ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो ऑपरेशन 30 मिनट, 25 मिनट या अगर बड़ा है तो 1.5 से 2 घंटे का भी हो सकता है। और उसके बाद उस पेशेंट को हम लोग स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर बोलते हैं। उस पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान मरीज़ को, अगर वो ऐसा स्टेबल पेशेंट है, तो हम उनको अपने HDU, जिसको हाई डिपेंडेंसी वो यूनिट बोला जाता है, वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, या अगर वो और फर्दर केयर मांगता है तो हम उनको ICU में शिफ्ट कर लेते हैं। हमारे LRH के बारे में स्पेशलिस्ट के अंदर 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम एनेस्थीसिया कंसल्टेंट्स की एक टीम है जो कि सुबह के टाइम में हमारी इलेक्टिव लिस्ट और शाम के टाइम में हमारी IVP लिस्ट को कवर करती है। और इस दौरान हमारे हॉस्पिटल की तरफ से हमें फुल सपोर्ट होती है रिगार्डिंग कोई ऐसा पेशेंट जिसको स्पेशल केयर ICU की चाहिए, तो वो हम उनको ICU केयर भी देते हैं। एंड रिगार्डिंग दिस डे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ माई पेशेंट्स या ऑल ऑफ द पेशेंट्स हु कम टू आर ORs और टू आर OPD, दे शुड नो, दे शुड आस्क देयर सर्जन, मतलब वो अपने सर्जन से ये पूछें कि ठीक है ऑपरेशन तो आप करेंगे लेकिन मुझे बेहोशी कौन देगा। तो द पॉइंट दैट वी वुड लाइक टू एम्फसाइज, जिसके ऊपर हम जोर देना चाहेंगे, वो ये है कि मेरे मरीज़ जो कि मेरे सर्जन के पास किसी भी हालत में लाइक इलेक्टिव सर्जरी एमरजेंसी में आते हैं, तो वो ये ज़रूर सवाल करें कि मुझे बेहोशी देने वाला डॉक्टर ट्रेन होगा कि नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।